तो आइए आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो लास्ट टेंस है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, रूल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, उसका एक्सरसाइज भी देखते हैं। इसके पहले हम पूरा टेंस कवर कर चुके हैं तो आज ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक एक्टिव पैसिव, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट, ये सब चलेगा। पहचान है इसकी, भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा और समय दिया रहेगा, ये आपका पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। कभी कभी रहता रहेगा, ता रहेगा, अगर इस बात दो घंटे तक पढ़ता रहेगा, दो बजे से पढ़ता रहेगा, ऐसा भी ता रहेगा भी आ जाता है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन और वर्ब की आंजी फॉर्म लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन है, तो आई वी के साथ शैल हैव बीन और वर्ब की आंजी फॉर्म। जैसे हम दो दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर टू डेज। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है, तो आपको पीछे भी पता है। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पढ़े वही रूल इसमें भी है, केवल सहायक क्रिया चेंज है। दूसरा वाक्य, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। रूल नंबर टू, आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की आंजी फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण, वे एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, वे लड़के का नहीं होगा, दोज बॉयज होगा, दे बॉयज नहीं होता है, क्योंकि नाउन से पहले दोज लगता हुआ अंग्रेजी। विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। नोट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भांति सिंस तथा फॉर का प्रयोग होता है, वो तो जान ही रहे, निश्चित लिए सिंस, अनिश्चित लिए फॉर। अब चलिए एक्सरसाइज नंबर 60, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, जो लोग किए हो मिला लो, नहीं तो समझ लो। तुम 3 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन ड्राविंग, ड्रा माने खींचना, किताब में दिया, एनजी जोड़ दीजिए, ड्राविंग। यू हैव बीन ड्राविंग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से कहेंगे, वेल माने कुआं होता है, WEELL। कब से, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। मैं तुमको 11 बजे से गणित में सहायता दे रहा हूँ, तो आई शैल हैव बीन, ठीक है, आई शैल हैव बीन गिविंग यू हेल्प, कह दो, या हेल्पिंग यू, तब भी चल जाएगा, गिविंग यू हेल्प या हेल्पिंग यू, दोनों सही है, ठीक। इन मैथमेटिक्स, गणित में क्या अंग्रेजी, इन मैथमेटिक्स, 11 बजे से, सिंस 11 o'clock। वह बचपन से ही अंग्रेजी सीख रही होगी, सी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने बचपन, उसके पहले सिंस लगता, अवस्था के पहले सिंस लगेगा, सिंस चाइल्डहुड। वह इस प्रश्न को 1 घंटे से हल कर रहा होगा, ही विल हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर एन आवर। मैं अपनी माता जी की 4 बजे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर माई मदर सिंस 4 o'clock। कल इस समय 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। अब देखिए, ते रहेंगे आ गया ना, तो तक आता तो ते रहेंगे, जैसे भी, तो हम कल इस समय 2 घंटे तक खेलते रहेंगे या इस समय 2 घंटे से खेलते रहेंगे, बात एक ही हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। वी शैल हैव बीन प्लेइंग हाँ, कल इस समय, टुमारो दिस टाइम, और उसके बाद 2 घंटे तक, फॉर टू आवर्स, 2 घंटे तक, तक के लिए भी फार लगेगा और से के लिए भी फार लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अनिश्चित समय इसलिए। पिताजी कुछ समय तक अपने मित्रों से वार्तालाप करते रहेंगे, फादर विल हैव बीन, वार्तालाप करना कहेंगे जी, होता है कन्वर्सिंग, CONVERSING, कन्वर्सिंग माने वार्तालाप करना, ING फॉर्म है, वैसे टॉकिंग भी कर सकते हो, लेकिन कन्वर्स स्पेशल वर्ड है, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप होता है, तो कन्वर्स माने वार्तालाप करना, ठीक। तो फादर विल हैव बीन कन्वर्सिंग अपने मित्रों से, हीज फ्रेंड्स,
कन्वर्सिंग हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स भी लगा सकते हो, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से या दोस्तों के साथ, विथ लगा दीजिए, कन्वर्सिंग विथ हिज फ्रेंड्स। आगे है कुछ समय तक, फॉर सम टाइम। कल शीला 4 घंटे तक इतिहास पढ़ती रहेगी। शीला विल हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री टुमारो फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। तुम 2 घंटे तक मैच देखते रहोगे, तो यू विल हैव बीन वॉचिंग, मैच देखने के लिए वॉचिंग लगता है, वॉचिंग मैच, MATCH, मैच 2 घंटे तक, 4 2 आवर्स। अगला है, वह आधे घंटे तक रामायण पढ़ती रहेगी। सी विल हैव बीन रीडिंग द रामायण, आधे घंटे तक के अंग्रेजी होगा फार हाफ एन आवर, फार माने तक, हाफ एन आवर माने आधा घंटा। बच्चे कल 2 बजे से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड टुमारो, कल कहेंगे 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, टुमारो सिंस 2 o'clock। प्रातः 10 बजे से मैच चल रहा होगा, तो मैच विल हैव बीन, चलना कहेंगे किताब में दिया, मैच चलना गो ऑन दिया है, गोइंग ऑन हो जाएगा, मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन आईएनजी फॉर्म, चल रहा होगा प्रातः, इन द मॉर्निंग कह दीजिए, प्रातः मतलब, प्रातः मतलब सुबह में, इन द मॉर्निंग, हाँ 10 बजे से, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock माने 10 बजे से, सिंस लगेगा, या तो आप इन द मॉर्निंग ना लिखना चाहो तो तब डायरेक्ट लिख सकते हो सिंस 10 AM, AM लिख दोगे तो प्रातः की भी अंग्रेजी मान लिया जाएगा, सिंस 10 AM माने हो गया प्रातः 10 बजे से, या तो इन द मॉर्निंग सिंस 10 o'clock, दोनों सही है, कोई बात नहीं। ठीक, मेरा भाई 2 दिन बाद से अपना नया व्यवसाय आरंभ कर रहा होगा, तो माई ब्रदर, मेरा भाई, विल हैव बीन माने हाँ आरंभ करना कहेंगे जो है स्टार्टिंग, विल हैव बीन स्टार्टिंग, शुरू करना है, आरंभ कर रहा होगा, हाँ अपना नया व्यवसाय, हिज न्यू बिजनेस के अंग्रेजी किताब में दिया, कब से, अब उसके बाद कल, कब से, 2 दिन बाद से, तो इसकी अंग्रेजी होगी फार 2 डेज आफ्टर, किताब में दिया 2 दिन बाद से, अंग्रेजी फार 2 डेज आफ्टर, फार माने से हो गया और 2 डेज आफ्टर माने 2 दिन बाद, फार 2 डेज आफ्टर। अगला है, यह वकील अभी से ही अगली बहस की तैयारी कर रहा होगा, तो दिस लायर माने यह वकील, ठीक है, हाँ अगली बहस की तैयारी कर रहा होगा। विल हैव बीन प्रिपेयरिंग माने तैयारी करना, प्रिपेयर दिया एनजी फॉर्म हो जाएगा, विल हैव बीन प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, और किसकी तैयारी करोगे, अगली बहस की, द नेक्स्ट प्लीडिंग, किताब में दिया अगली बहस की अंग्रेजी, द नेक्स्ट प्लीडिंग, बचा क्या है, अभी से ही की अंग्रेजी किताब में दिया है, फ्रॉम दिस मोमेंट माने अभी से ही, तो यहाँ सिंस के लिए फ्राम लग गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए फ्राम भी लगता है अभी से ही, ठीक, जब फ्राम लग गया सिंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई कंपलसरी नहीं रहता सिंस, यहाँ फ्राम भी लगाया जा सकता है, ठीक, क्योंकि अभी और कोई शब्द बचा नहीं है से की अंग्रेजी के लिए, तो हो गया फ्रॉम दिस मोमेंट माने अभी से ही, किताब में दिया वही लिख दीजिए। डांटे जाने पर वह कम से कम 1 घंटे तक रोती रहेगी, तो सी विल हैव बीन वीपिंग माने वह रोती रहेगी, ठीक है, अब हाँ कम से कम 1 घंटे मतलब कि हाँ पहले रो हाँ डांटे जाने पर, इसकी अंग्रेजी सी विल हैव बीन वीपिंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, किताब में दिया डांटे जाने पर, कहेंगे जी ऑन बीइंग स्कोल्डेड, पैसोवास में वाक्य है, किसी के द्वारा ही डांटा जाएगा, इसलिए बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑन बीइंग
स्कोल्डेड, कम से कम के अंग्रेजी होगा एट लीस्ट, अच्छा कम से कम एक घंटे तक, फार पहले लगा देना, फार एट लीस्ट वन आवर, फार एट लीस्ट वन आवर, ठीक, फार माने तक होता है, एट लीस्ट वन आवर माने कम से कम एक घंटा, ठीक। चलिए आगे निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। निगेटिव बताया गया कि अनुवाद में विलय साल के बाद नाट लगा देते हैं ऐसे वाक्यों के अनुवाद में, जैसे हम दो घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर टू आवर्स, अर्चना कल शाम से नहीं सो रहेगी, अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग, तो विल के साथ नॉट लगा दो, हैव बीन पहले, बस और कुछ नहीं करना विलय साल। चलिए एक्सरसाइज नंबर 61 देखते हैं। तुम्हारी माता जी आज प्रातःकाल से खाना बना रही होगी, तो योर मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड, नहीं विल नॉट हैव बीन, हाँ ठीक विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड होगा, नहीं सकते आज प्रातःकाल से, सिंस टुडे मॉर्निंग, मेरा नौकर 10 बजे से नहीं सो रहा होगा, माई सर्वेंट विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से कहेंगे सिंस 10 o'clock, चोर तुम्हारे घर में आधी रात से घुसने का प्रयत्न नहीं कर रहा होगा, द थीफ विल नॉट हैव बीन ट्राइंग टू इंटर, माली कई घंटों से घास नहीं काट रहा होगा, सिंस मिडनाइट भी सोता आधी रात, मिडनाइट भूल जाओ तो हाफ नाइट लिख दो तब भी चल जाएगा, माली कई घंटों से घास नहीं काट रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन कटिंग ग्रास, ग्रास माने घास, GRASS, विल नॉट हैव बीन कटिंग ग्रास कई घंटों से, फार मैनी आवर्स। उसके बाद है ये किसान 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे, तो पहले कह दिए ये किसान, कहेंगे दीज फार्मर्स, दीज फार्मर में ऐसे जोड़ देना क्योंकि दीज बहुवचन है, दीज फार्मर्स, तो दीज फार्मर्स हाँ, विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, खाना नहीं खा रहे होंगे 2 दिन से, फार टू डेज, डाकिया कल 5 घंटे तक डाक नहीं बांटता रहेगा, द पोस्टमैन विल नॉट हैव बीन, बांटना कहें किताब में दिया है डिलीवर, ING फॉर्म डिलीवरी, द पोस्टमैन विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग, ठीक है डाक नहीं बांटता रहेगा, ठीक है डाक के अंग्रेजी किताब में दिया मेल, डिलीवरिंग मेल 5 घंटे तक, फॉर 5 आवर्स, तो देखिए डाकिया कल पाँच घंटे तक डाक नहीं बांटता रहेगा, तो हो जाएगा द पोस्टमैन विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग मेल टुमारो, कल कहेंगे टुमारो 5 घंटे तक कहेंगे जो होगा फॉर 5 आवर्स, फार लगेगा तक कहेंगे जी, अनिश्चित समय के लिए फार लगता है और निश्चित के लिए टिलिया बाई लगता है। हमारे खिलाड़ी दिन भर विजय के लिए परिश्रम नहीं करते रहेंगे, आवर प्लेयर्स माने हमारे खिलाड़ी दिन भर विजय के लिए परिश्रम नहीं करते रहेंगे, विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क, परिश्रम करना के डूइंग वर्क या वर्किंग हार्ड भी कह सकते हो, वर्किंग हार्ड माने जो है कठिन परिश्रम करना, तो कठिन परिश्रम करना या परिश्रम करना चल जाएगा, या डूइंग वर्क लीजिए, डूइंग माने करना, वर्क माने परिश्रम या काम, दोनों सही है, तो आवर प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क या वर्किंग हार्ड, दोनों चलेगा, हाँ दिन भर विजय के लिए, ठीक है पहले विजय के लिए उसको कहेंगे, विजय के लिए मतलब फार विक्ट्री, विजय का अंग्रेजी किताब में दिया विक्ट्री माने विजय होता है, फार विक्ट्री दिन भर के अंग्रेजी होता है थ्रू आउट द डे, इसकी अंग्रेजी होता है THROUGH, बोल दे रहे हैं THROUGH, थ्रू OUT जोड़िए, थ्रू आउट द डे,
थ्रू आउट द डे माने होता है दिन भर, ठीक। यह एक शब्द इसका है ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग भी लिख सकते हो, माने भी दिन भर होता है, ठीक। ऑल डे लॉन्ग यह भी हो सकता है। वह दो घंटे तक मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाता रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग मी संस्कृत दो घंटे तक, फार टू आवर्स, फार टू आवर्स। वह एक घंटे तक फर्नीचर की मरम्मत नहीं करता रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर, ही विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर एक घंटे तक, फार एन आवर, फार एन आवर। हम कल से अपने अध्यापक के साथ संग्रहालय की सैर पर नहीं जा रहे होंगे, We shall not have been going, हम नहीं जा रहे होंगे, We shall not have been going, हम नहीं जा रहे होंगे। कल से अपने अध्यापक के साथ संग्रहालय के सैर पर, With our teacher कह दिए, किसके साथ नहीं जा रहे होंगे, With our teacher, अपने अध्यापक के साथ, With our teachers। कहाँ संग्रहालय की सैर पर, इसका हो जाएगा ऑन ए विजिट ऑफ म्यूजियम, किताब में दिया इसकी अंग्रेजी, सैर पर कहेंगे ऑन ए विजिट, ऑफ लगा देना की अंग्रेजी, म्यूजियम माने संग्रहालय होता, किताब में दिया है, ठीक। उसके बाद कल से, सिंस स्टरडे, सॉरी स्टरडे नहीं होगा, सिंस टुमारो होगा, सिंस टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में आगे की बात किया जाता है, कल से। नौकरानी एक घंटे से बच्चों के लिए नाश्ता तैयार नहीं कर रही होगी, तो नौकरानी कह रही होगा द मेड, किताब में दिया मेड माने नौकरानी, मेड। विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग, विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता कहेंगे जी बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रेन, फॉर द चिल्ड्रेन, एक घंटे से, फॉर एन आवर। दो दिन से वहाँ वर्षा नहीं हो रही होगी, तो सब्जेक्ट इट लगेगा, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग माने वर्षा नहीं हो रही होगी, सब्जेक्ट इट लगा दिया जाता, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग, वहाँ का अंग्रेजी देयर, टी एच ई आर ई, रेनिंग देयर, दो दिन से, फार टू डेज। उनमें बहुत दिनों से कोई विवाद नहीं चल रहा होगा, तो उनमें बहुत दिनों से, उनमें मतलब वे जो हैं उनके पास कोई विवाद नहीं होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट होगा दे, उनमें दे से ही बना, दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, तो विवाद चलना, ठीक है, नहीं कोई विवाद नहीं चल रहा होगा, दे विल नॉट हैव बीन नहीं होगा, क्योंकि नहीं का अंग्रेजी नो डिस्प्यूट दे दिया, अभी कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे कर दिए दे विल नॉट, वही काट दीजिए दे विल हैव बीन, ऐसे कर दिए नॉट केवल काट दीजिए, दे विल हैव बीन नो डिस्प्यूट, अब यही लिख दीजिए, नो डिस्प्यूट माने कोई विवाद नहीं, दे विल हैव बीन नो डिस्प्यूट माने उनके पास कोई विवाद नहीं होगा या उनमें विवाद नहीं चल रहा होगा, दे विल हैव बीन नो डिस्प्यूट। हाँ कई बहुत दिनों से, फार मैनी डेज, फार मैनी डेज माने कई बहुत दिनों से। चौदहवां वाक्य, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे होंगे, द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लाउइंग, विल नॉट हैव बीन प्लाउइंग फील्ड, खेत के अंग्रेजी, सुबह से कहेंगे होता सिंस मॉर्निंग, द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लाउइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। मंत्री जी पूरे दो वर्षों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे होंगे, मंत्री जी कह दिया द मिनिस्टर, उसके बाद कह दिए विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, अच्छा दौरा करने के लिए किताब दिया विजिट, तो विजिटिंग हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन विजिटिंग अपने निर्वाचन क्षेत्र का, ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी माने निर्वाचन क्षेत्र, किताब में दिया है ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी, कब से, दो वर्षों तक, पूरे दो वर्षों तक, फॉर द होल टू ईयर्स या फुल टू ईयर्स, किताब में दिया फुल माने भी पूरा, होल माने फॉर द फुल टू
ईयर्स, फार माने तक किताब में दिया, पूरे दो वर्षों तक फार लगा के दिया, फार द फार फुल टू ईयर्स। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका रूल नंबर एक, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले बिल या सेल, फिर कर्ता, फिर हैव बीन और वर्ब की आंजी फॉर्म आती है। वाक्य क्या वे 7 बजे से कहानियां कह रहे होंगे, बिल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। कहानी कहना कहेंगे ये टेल लिखा जाता है, कहना या सुनाना टेल होता। क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे, सेल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 4 days। आपको बताए थे ता के साथ भी रहा होगा, रहे होगी पहले ता भी आता है, या ता रहेगा तब भी चल जाता है। रूल नंबर टू, जिन वाक्यों में कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर बिल या सेल, फिर करता हैव बीन, फिर हैव बीन और बल्कि आंजी फॉर्म आती है। उदाहरण, तुम 4 दिन से क्या सोच रहे होगे, व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 4 days। तो क्या बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, अगर शुरू में होता तो केवल सहायक क्रिया से काम चलता। रूल नंबर तीन, हाउ मच हाउ मैनी विच व्हिच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। उदाहरण, वे स्त्रियां शाम को कितने घंटे से गाती रही होंगी। तो कितने घंटे से आपका ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी होगा फार हाउ मेनी आवर्स। जब समय पहले है तो फार भी पहले लग जाएगा, सिंस या फार, तो फार हाउ मेनी आवर्स अनिश्चित समय, कितने घंटे से, सहायक क्रिया उसके बाद बिल लगेगा, वे और स्त्रियां का दोज वोमेन लगेगा, क्योंकि कभी भी वे के साथ नाउन रहता है तो दोज ही लिखा जाता है वे के लिए। हैव बीन सिंगिंग इन द इवनिंग। रूल नंबर 4 कह रहा है, यदि प्रश्नसूचक शब्द अर्थात कौन ही यानी हु ही करता हो तो पहले प्रश्नसूचक शब्द, फिर सहायक क्रिया लगेगा बिल या सेल, फिर हैव बीन, वर्ब की आंजी फॉर्म। उदाहरण, आधी रात से कौन चिल्ला रहा होगा, हु विल हैव बीन क्राइंग सिंस मिड नाइट। तो इसमें हु सब्जेक्ट भी है, प्रश्नवाचक भी है, इसलिए अलग से सब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा उसमें। 5वां रूल है, यदि प्रश्नसूचक वाक्य निषेधात्मक है यानी निगेटिव है तो कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं, इतना तो आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद नाट लगता है। जैसे क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 62 भी देख लेते हैं, लास्ट एक्सरसाइज ये टेंस की, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पहला वाक्य है इसमें, क्या सावित्री 5 दिन से कपड़े नहीं धोती रही होगी। तो हो जाएगा विल सावित्री Not have been washing clothes, कब से 5 दिन से, for 5 days। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहे होंगे, पहले कहाँ कहेंगे जी, where will the boys have been playing since 2 o'clock। क्या वे आज दिन भर जंगल में शिकार नहीं कर रहे होंगे, तो विल दे नॉट हैव बीन, शिकार करना तो हंटिंग होता है, किताब में दिया भी हंट आई एनजी जोड़ दी, विल दे नॉट हैव बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, आज दिन भर का अंग्रेजी किताब में दिया गया थ्रू आउट द होल डे टूडे, थ्रू आउट द होल डे टूडे, इसमें सिंस या फार नहीं लगा, क्योंकि से तो आता तब सिंस या फार लगता, नहीं तो नहीं लगता, ठीक ना। आज दिन भर कहेंगे थ्रू आउट द होल डे टूडे दिया गया। कौन से विद्यार्थी कल से प्रश्न पत्र नहीं हल कर रहे होंगे, कौन से विद्यार्थी का अंग्रेजी होगा विच स्टूडेंट्स, किताब में दिया भी गया है विच स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, उसके बाद बिल लग जाएगा, हाँ विच स्टूडेंट्स बिल, और सभी कल से प्रश्न है, बिल नॉट हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिल नॉट हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखिए कौन से विद्यार्थी आपका प्रश्नवाचक भी है, यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा, जो हल करेगा वही करता होता है, तो वही प्रश्नवाचक ही यहाँ करता का भी काम कर रहा हूँ की तरह। तो विच स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस, कल से अंग्रेजी होगा सिंस टुमारो, सिंस टुमारो। वे रात के 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे, तो व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग, वे क्या पढ़ रहे होंगे, इसके हो गए रात के 8 बजे से, सिंस 8 PM, 8 PM लगा दोगे तो रात के अंग्रेजी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो सिंस 8 o'clock इन द नाइट ऐसे लिखना पड़ेगा, क्लियर। सिंस 8 PM माने रात के 8 बजे से।
अगर होता सुबह का 8 बजे तो 8 AM हो जाता। क्या तुम्हारे भाई तुम्हें दिन भर डांटते रहेंगे? विल योर ब्रदर स्कोल्डिंग यू, स्कोल्ड माने डांटना, किताब में दिया विल योर ब्रदर के बाद हाय बिल लगेगा, सक्रिया पूरी लगेगी सब्जेक्ट के बाद। विल योर ब्रदर हैव बीन स्कोल्डिंग यू, तुम्हें डांटते रहेंगे कब तक? दिन भर, तो थ्रू आउट द डे, यहाँ देखिए दिन भर कहेंगे थ्रू आउट द डे, जो शुरुआत में लिखा गया वो टू डे मत लिखिए, वही हो जाएगा। थ्रू आउट द डे माने दिन भर, शुरुआत में ही दिया गया दिन भर कहेंगे, ठीक ना? आज दिन भर जो दिया, आज की अंग्रेजी टू डे हटा तो बस बच जाएगा दिन भर की। अगला, क्या माता जी 15 मिनट तक मंदिर में पूजा नहीं करती रहेंगी? तो विल द मदर नॉट हैव बीन, विल द मदर नॉट हैव बीन, पूजा करना कहेंगे जो वर्शिप दिया किताब में, ING जोड़ देंगे, वर्शिपिंग में डबल पी हो जाएगा। विल द मदर नॉट हैव बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल, मंदिर में कहीं लिख देना इन द टेम्पल, कब से? 15 मिनट तक, फॉर 15 मिनट तक के लिए, फॉर लगेगा निश्चित समय के लिए, फॉर 15 मिनट। आठवां वाक्य कह रहा है, ये गवैये 5 घंटे तक लगातार किस प्रकार गाते रहेंगे? गवैये माने गाने वाले यानी कि सिंगर्स, दिया गया किताब में। ये गवैये 5 घंटे तक लगातार किस प्रकार गाते रहेंगे? तो पहले किस प्रकार की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, किस प्रकार माने हाउ, हाउ माने होता कैसे या किस प्रकार, तो हो जाएगा हाउ, फिर सक्रिय बिल लगेगा। उसके बाद ये गवैये का अंग्रेजी लिखा जाएगा दीज सिंगर्स, हाउ विल दीज सिंगर्स, उसके बाद सक्रिय लगेगी आधी जो बची है हैव बीन सिंगिंग, हैव बीन सिंगिंग गाते रहेंगे, कंटिन्यूसली लगा देना लगातार कहेंगे, हैव बीन सिंगिंग कंटिन्यूसली 5 घंटे तक के अंग्रेजी, तब लिख देना फॉर 5 आवर्स। नवा करा, वे एक सप्ताह से कहाँ सोते रहेंगे? तो कहाँ कहेंगे जी वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 वीक या फॉर ए वीक भी कह सकते हैं, वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए वीक। दसवां वाक्य कह रहा है, यह माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा? तो क्यों कहेंगे जी भाई, Why will this gardener not have been giving water? Why will this gardener not have been giving water? हाँ, लगातार कहेंगे continuously, ठीक है, continuously to the plants, किसको? पौधों को, to the plants कह दीजिए। उसके बाद इस बाग में कहेंगे इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, फिर से बता दे रहे हैं व्हाई विल दिस गार्डनर नॉट हैव बीन गिविंग वाटर टू द प्लांट, वाटर कंटिन्यूसली टू द प्लांट्स, और उसके बाद इन दिस गार्डन, वह कब से तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, ठीक है? तो कब से कहेंगे किताब दिया सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन विल ही हैव बीन स्पीकिंग इल ऑफ यू, देखिए बुराई करना कहीं स्पीक इल ऑफ दिया है, तो स्पीकिंग इल ऑफ, उसके बाद तुम्हारी कहेंगे यू लिख देना, ठीक, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा यू लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, ठीक। तुम वहाँ कितने समय से जा रहे होगे? तो कितने समय से कहेंगे किताब दिया फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा विल यू हैव बीन गोइंग देयर, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन गोइंग देयर, कितने लंबे समय से तुम वहाँ जा रहे हो। 13वां वाक्य आपका है, वह व्यक्ति कितनी देर से तुम्हारे पड़ोसी से झगड़ा कर रहा होगा? तो कितनी देर से, ठीक है, तो इसका भी मतलब कितनी देर से कहो या कितने समय से बात एक ही हुआ, तो फार हाउ लॉन्ग, अच्छा तो आप टाइम भी लगा सकते हो, फार हाउ लॉन्ग टाइम, कितनी देर से या कितने समय से बात एक ही हुआ, ठीक है ना? फार हाउ लॉन्ग टाइम माने कितने लंबे समय से या कितनी देर से, दोनों चल जाएगा, टाइम भी लगा सकते हो इसमें, ठीक, फार हाउ लॉन्ग टाइम, कितनी देर से।
मैन ही नहीं लगता, कितने का अंग्रेजी देखिए फार नहीं लगा कितने समय से, तो समय की बात किया जा रहा है तो फार लगेगा। मैन ही हमेशा संख्या के लिए लगता है, जैसे मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, ठीक, तो हाउ के साथ मैन ही आता, खाली इसमें हाउ है, संख्या नहीं बताया जा रहा, समय, तो इसलिए मैन ही नहीं लगेगा। तो अगला, तुम वहाँ कितने समय से जा रहे होगे, तो वह व्यक्ति कितनी देर से, तो फार हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग टाइम, फार हाउ लॉन्ग टाइम विल दैट मैन हैव बीन क्वारलिंग विद द नेबर्स, विथ योर नेबर्स, क्वारलिंग विथ योर नेबर्स, विथ विथ माने से या साथ, नेबर्स माने पड़ोसी, तुम्हारे पड़ोसी से या तुम्हारे पड़ोसी के साथ। फिर से बता दें, हाउ फार हाउ लॉन्ग टाइम विल दैट मैन हैव बीन क्वारलिंग विथ योर नेबर्स, नेबर्स माने होता पड़ोसी, स्पेलिंग होगी यन, किताब में दिया है NIGSBOUR। चौदहवा वाक्य, क्या रवि 2014 से अपने गांव नहीं जा रहा होगा, विल रवि नॉट हैव बीन गोइंग गोइंग टू हिज विलेज, अपने गांव, और 2014 से सिंस 2014। पंद्रहवा, क्या हम काफ़ी समय से इस नियम का विरोध कर रहे होंगे, तो हो जाएगा सैल वी, क्योंकि हम है तो सैल लगेगा, आई विक साथ सैल, सैल वी हैव बीन विरोध करना करेंगे, किताब दिया प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, आई एन जी फॉर्म हो जाए प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, सैल वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रूल, इस नियम का, ठीक है, नियम का रूल दिया, ठीक है, इस नियम का अगेंस्ट दिस रूल, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रूल, काफ़ी समय से, काफ़ी समय से कहेंगे लिख देना फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम माने लंबे समय से या काफ़ी समय से, ठीक। तो इस तरह से ये आपका टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बाद आपको मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूस पे आधारित दो एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, तो उसको आपको अगले सेशन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में।